पहले जो सरकार चला रहे थे उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था ये मोदी है। उसने एक तरफ इन वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया। उनके वीआईपी उनको मुबारक, मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। देश का सामान्य मानवी है। साथियों, दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, दिल्ली में कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। तमाम राजनीति अवरोधों के बीच बीते 5 वर्षों में हमने दिल्ली मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया है। साथियों, 2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में औसतन करीब 14 किलोमीटर प्रतिवर्ष का विस्तार हो रहा था, और तब दिल्ली में उनकी सरकार थी और भारत सरकार में भी वही लोग थे, फिर भी ये हाल था। हमारी सरकार आने के बाद राज्य सरकार का रवैया कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है। सारे विरोध, अवरोध, रुकावटें सब, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 5 साल में स्थिति पैदा की है कि जहां 14 किलोमीटर का काम होता था अब करीब करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। यानी दिल्ली में अब सालाना करीब 25 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बन रहा है। पिछले 5 साल में दिल्ली में 116 किलोमीटर नई लाइनें शुरू है। इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को लेकर अगर यहां की सरकार, यहां की राज्य सरकार राजनीति पर उतारू न होती, राजनीति के अड़ंगे न डाले होते, बेवजह मुसीबतें पैदा न की होती, तो इसका काम काफी पहले शुरू हो गया होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके नाम पर राजनीति करने वाले आपकी तकलीफों को कभी न समझे हैं
न समझने का उनका इरादा है। बरसों से ये लोग बसों को लेकर जो बहाने बता रहे हैं, जो हालत दिल्ली की बसों की इन लोगों ने कर दी है, वो दिल्ली के लोग भली भांति रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अपने दफ्तर आने जाने में, अपने घर आने जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका हमने निरंतर प्रयास किया। दिल्ली के भीतर सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका लटका भटका पड़ा था, इसे पूरा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है।